गाइस कैसे हो आप सब लोग। तो हिंदी में एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। आज है 14 सितंबर 2017 और ये वीडियो 2018 के जो प्रीलिम्स हैं उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। इससे पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो चकमाज और हजोंग ट्राइब हैं वो ओरिजिनली चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट्स के रेजिडेंट हैं जो कि फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान में आता है, यानी कि बांग्लादेश। बिल्कुल सही बात है, 100% करेक्ट। वाइल द चकमाज आर हिंदूज, हजोंग्स फॉलो द बुद्धिस्ट फेट। इसको एच से एच याद रख लेना, हजोंग्स आर हिंदूज वाइल चकमाज आर बुद्धिस्ट एंड बोथ हुआर परसिक्यूटेड। दोनों को ही परसिक्यूट किया गया था क्योंकि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, वो वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है। तो आंसर यहाँ पे हो गया ए, वन ओनली। सो एटलीस्ट 100,000 चकमाज एंड हजोंग रिफ्यूजीज देवर स्टेइंग इन अरुणाचल प्रदेश फॉर 50 ईयर्स। ओरिजिनली देवर रेजिडेंट्स ऑफ चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट, ठीक है, बट उनको वो छोड़ना पड़ा वो जगह क्योंकि कप्ताई डैम प्रोजेक्ट के कारण उनका जो लैंड था वो सबमर्ज हो गया। वो बुद्धिस्ट थे फेथ से, तो चकमाज फेस रिलीजियस परसिक्यूशन अलॉन्ग विद हजोंग्स हुआर हिंदूज एंड मोस्ट ऑफ देम वर चकमाज एंड ओनली 2,000 वर हजोंग जो आए थे इंडिया में। एंड अभी क्या हुआ था कि उनको सिटीजनशिप और लैंड राइट्स नहीं थे, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन दी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि उनको भाई सिटीजनशिप दे दो, अब तो 50 साल हो गए उनको रहते हुए। दूसरा क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को रेगुलेट करती है भारत में, 100% सही बात है। जो GEAC है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है, गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। GM मस्टर्ड हैज़ बीन दी फर्स्ट फूड क्रॉप अप्रूव्ड बाय दी कमेटी, ये भी गलत है। BT ब्रिंजल था पहला फूड लेकिन उसको एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का अप्रूवल नहीं मिला। आंसर यहाँ पे है ए, वन ओनली। यहाँ पे देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है और यहाँ पे BT ब्रिंजल था। BT का मतलब होता है बैसिलस थुरिंजिनेसिस, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। देखते हैं भाई, दिस फ्रेमवर्क आउटलाइंस अ मेथोडोलॉजी टू रैंक इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे सेपरेट रैंकिंग्स होती हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के लिए डिपेंडिंग ऑन देयर एरिया ऑफ ऑपरेशन। बिल्कुल सही बात है, ऑल दी पैरामीटर्स यूज्ड फॉर रैंकिंग हैव इक्वल वेटेज। ये बिल्कुल गलत बात है, पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। यहाँ पे आंसर है 1, 2 सही है, तीसरा गलत है, डिफरेंट वेटेज होता है पैरामीटर का। आंसर हो गया इसका बी, 1 और 2। NIRF जो लॉन्च हुआ था सितंबर 2015 में हुआ था, और सेपरेट रैंकिंग होगी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की अलग होगी, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन की अलग होगी, मैनेजमेंट फार्मेसी आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूशन की अलग होगी और डिफरेंट वेटेजेस होंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है वो रोटेटिंग लो प्रेशर वेदर सिस्टम है, ये बिल्कुल सही बात है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है वो अटलांटिक बेसिन में जब ओरिजिनेट होते हैं उनको हरिकेन्स बोला जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। हरिकेन्स एक तरह के ट्रॉपिकल स्टॉर्म होते हैं जिनमें फ्रंट होता है, फ्रंट नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। तो आंसर यहाँ पे हो गया बी, 1 और 2। तो जो हरिकेन एक ट्राइप का ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर्स में बनता है, जब स्टॉर्म की स्पीड 74 माइल्स पर आवर से ज़्यादा हो जाती है तो उसको हरिकेन बोला जाता है, सिंपल है। पिछले लेसन में मैंने वो भी बताया था कि कौन सी रेंज पे कितना होता है, ठीक है। इसमें फ्रंट नहीं होता, फ्रंट का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसी बाउंड्री जो दो एयर मास जिनका डेंसिटी अलग अलग है उसको सेपरेट करती है, यहाँ पे वो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हाइड्रोजन बम आर मोर पावरफुल देन एटॉमिक बम। ये बिल्कुल सही बात है, 1,000 गुना से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। हाइड्रोजन बम जो होते हैं वो फिजन यूज़ करते हैं, अनलीश मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेकिन जो एटॉमिक बम्स होते हैं वो फ्यूजन यूज़ करते हैं। ये भी बिल्कुल सही गलत बात है, हाइड्रोजन बम्स जो होंगे, हाइड्रोजन क्योंकि उसमें तो यार वो तो फ्यूज ही हो सकता है ना, हीलियम को अगर आप फिजन करोगे तो हाइड्रोजन बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन को तो फ्यूज़ करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे फिजन नहीं होगा इसका, एटॉमिक बम्स में फिजन होता है। तो आंसर यहाँ पे हो गया ए, 1 ओनली। यहाँ देख ले उल्टा कर रखा है, ठीक है, और वो 1,000 गुना से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। 6ठा क्वेश्चन देखते हैं, फिएट मनी का मतलब होता है गवर्नमेंट बोलती है लीगल टेंडर है, ठीक है, लेकिन इसको फिजिकल कमोडिटी गोल्ड वगैरह से बैक नहीं करती। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन और इतने सारे कॉइन्स आ गए आजकल, तो ये डिजिटल या वर्चुअल करेंसी होती है जो कि क्रिप्टोग्राफी को सिक्योरिटी की तरह यूज़ करती है। बिल्कुल सही बात है, जो बिटकॉइंस होते हैं वो एक नॉन फिएट क्रिप्टो करेंसी है, नॉन फिएट का मतलब गवर्नमेंट उसको लीगल टेंडर नहीं मानती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो फिएट मनी एक ऐसी करेंसी है जिसको गवर्नमेंट लीगल टेंडर बोलती है लेकिन उसको फिजिकल कमोडिटी लाइक गोल्ड सिल्वर से बैक नहीं करती है। लेकिन आजकल जो कंप्यूटर सेंट्रिक वर्ल्ड है उसमें क्रिप्टोग्राफी इज एसोसिएटेड विद स्क्रैम्बलिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट, इसको बोलते हैं एनक्रिप्शन, और फिर अगेन उसको नॉर्मल करना उसको बोलते हैं डीक्रिप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम एम्स एट प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू फार्मर्स, सब्सिडाइज इंटरेस्ट। बिल्कुल सही बात है, 100% सही बात है, ये जॉइंटली नबार्ड और RBI ने इम्प्लीमेंट करी, ये भी बिल्कुल सही बात है। आंसर यहाँ पे सी, बोथ 1 और 2। सो क्या है कि सोर्सेज का कैबिनेट क्लियर 5% इंटरेस्ट सबवेंशन फ्रॉम क्रॉप लोन्स, ऐसा आप देख सकते हो, जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड बाय नबार्ड एंड RBI एंड इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम खरीफ 2006-2007। क्वेश्चन नंबर 8,
स्ट्रेस्ड एसेट्स इंक्लूड्स एनपीए, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रेस्ड एसेट्स आर ऑलवेज मोर देन एनपीए, ये भी बिल्कुल सही बात है। मतलब बराबर भी हो सकते हैं अगर रिस्ट्रक्चर लोन्स नहीं हो, लेकिन 99.9% केसेस में स्ट्रेस्ड एसेट्स आर ऑलवेज मोर देन एनपीए। आंसर यहाँ पे हो गया सी, बोथ वन एंड टू। एनपीए क्या होता है? जब कोई इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट 90 दिन से ज़्यादा नहीं मिलता है लोन के ऊपर तो उसको बोला जाता है एनपीए। स्ट्रेस्ड एसेट्स क्या होता है? जो कि लोन एनपीए बनने की कगार पे होते हैं। रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स क्या होते हैं? जो एसेट्स जिनका एक्सटेंडेड रीपेमेंट पीरियड हो गया, इंटरेस्ट रेट कम कर दी, लोन का कुछ पार्ट इक्विटी में बदल दिया, एडिशनल फाइनेंसिंग कर दी, या फिर इनको कंबाइन करके एनपीए नहीं बनने दिया, तो स्ट्रेस्ड एसेट्स हो गए एनपीए प्लस रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इनमें से कौन सा सक्सेसफुली हिंडर कर रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स को इंडिया में लाने में? लैक ऑफ द ट्रस्ट इन इंडस्ट्री, बिल्कुल सही बात है। और साइंटिफिक अनसर्टेनिटी डिलेइंग द डिसीजन मेकिंग, यस, ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल लेना पड़ेगा। पता चला उससे कोई जेनेटिक म्यूटेशन हो गई और सब तबाह हो गया, सब बर्बाद हो गया, तो वो तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल लेना पड़ेगा कि भले ही हमें नहीं पता कि वो कुछ खराब करेगा या नहीं करेगा, लेकिन हम मान के चलेंगे कि हम प्रिकॉशन लेंगे और हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अनलेस कि आप ऐसा एविडेंस दो कि इससे बिल्कुल कुछ नहीं होता है। तो आंसर यहाँ पे हो गया दोनों। ठीक है दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन है FDN2। FDN2 एक इंडिजिनसली बिल्ट फ्लोटिंग डॉक है, और ये ड्राई डॉक की तरह यूज़ होगा, और एक सबमर्ज्ड फ्लोर है उसके अंदर जो कि फ्लोटिंग वेसल के अंदर स्लिप हो जाती है और उसको बिल्कुल पानी से बाहर निकाल देती है, और LNT ने इसको डेवलप किया है। तो लेसन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।